क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रायंगल्स एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7। इसके हमने तीन एक्सरसाइज किए, 7.1, 7.2, 7.3। अभी लास्ट इसके एक्सरसाइज है 7.4। क्वेश्चन आपकी इस तरह है आपकी स्क्रीन पर। शो दैट इन अ राइट ट्राइंगल, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एन राइट ट्रैंगल। हमें शो करना है कि अगर हमें पता है कि राइट ट्रैंगल जो होता है जिसमें एक एंगल 90 हो, यानी यहाँ एंगल भी 90 है, जो ये सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटन्यूज, यानी 90 के अपोजिट में ये बड़ा साइड होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ हमें प्रूव करना है क्या ये ट्रैंगल, क्या ये एक राइट एंगल ट्रैंगल में हाइपोटन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स हमने एक ट्रायंगल ली है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम लिखेंगे यहाँ लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है कि तीन ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, शाबाश, रीज़न आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल बी कितने डिग्री का है, 90। तो हम यहाँ एंगल बी लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 90, क्योंकि बी नहीं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हो गए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो गो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। यहाँ पर हमें ये नहीं पता गया कि एंगल ए और एंगल सी का जो दोनों मिलाकर वो 90, यानी एंगल ए और एंगल सी जो है ये 90 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन एंगल थे, तीन में से एक एंगल 90 है, जो दो का जोड़ है 90 का। इसका मतलब यह है कि ये दोनों एंगल हमें इशारा देते हैं कि ये एक्यूट एंगल होंगे, हैनस हैनस वी कैन से, शाबाश, जो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, ये तो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। ये तो एंगल एंगल ए भी एक्यूट एंगल होगा, एंगल सी भी, यानी दे विल बी लेस देन 90। हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा लेस देन 90 होगा, एंगल सी जो होगा वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा। ये हमें इस, क्योंकि दो एंगलों का जोड़ जो है, एक तो एंगल बी 90 है, लेकिन दो का जोड़ एंगल ए और एंगल सी 90 के बराबर, यानी एंगल ए भी नहीं एक्यूट होगा, एंगल सी भी नहीं एक्यूट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा इज द, शाबा, वो क्या होगा फिर, लार्जेस्ट एंगल, इज द लार्जेस्ट एंगल अमंग थ्री, यानी एंगल ए एंगल बी एंगल सी में, इन एंगलों में एंगल बी सबसे बड़ा होगा, विल बी द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो एंगल बी होगा वो भी एंगल ए से बड़ा होगा, एंगल बी जो होगा वो भी एंगल सी से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमें पता ही है कि एंगल बी अगर लार्जेस्ट एंगल, तो वो एंगल ए से भी लार्जेस्ट होगा, एंगल बी से लार्जेस्ट होगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि एंगल बी का अपोजिट साइड है एंगल ए, और एंगल एंगल ए का जो अपोजिट साइड है बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो उस एंगल का, वो भी सबसे बड़ा साइड हो, उस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। इसका मतलब ए सी जो होगा, एंगल एंगल ए का जो अपोजिट साइड है वो बी सी है, तो ए सी विल, इट इम्प्लाइज दैट ए सी साइड विल बी ग्रेटर देन बी सी,
यानी इसी तरह ये जो ए सी ग्रेटर दैन ए बी, ठीक है, यानी यहाँ पर भी ये पता चल जाए कि ये जो एंगल बी ग्रेटर दैन एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर दैन एंगल ए, इसका मतलब ए सी जो होगा वो बड़ा होगा बी सी से, ए सी जो होगा वो बड़ा होगा ए बी से, क्योंकि ए बी किसके अपोजिट में एंगल सी की। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज सो इन एनी ट्रायंगल शाबाश द साइड अपोजिट द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, ये तो हमें पता है जो एंगल के अपोजिट में जो जिस एंगल के अपोजिट में होगा वो क्या होगा, वो लार्जेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो हमें पता चला कि जो ये जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा क्योंकि उसका जो अपोजिट साइड होगा ए सी वो भी सबसे बड़ा साइड होगा, यही लिखा हमने। डियर फोर वी कैन से हैनस, या डियर फोर हैनस ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हाउ एवर ए सी, वो ए सी क्या है, ए सी इज द हाई पार्ट न्यूज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए सी क्या है, ए सी हाई पार्ट न्यूज है। अगर ए सी हाई पार्ट न्यूज तो हम क्या इसको मान के चलें, देयर फोर इट इम्प्लाइज दैट हाई पार्ट न्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये था आपका क्वेश्चन, हमें ये प्रूव करना था बाय शो दैट इन अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज जो होता है ये सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव किया, इसमें इनइक्वालिटी का ज़्यादा ख्याल रखना है आपको कि अगर एंगल बी जो है वो बड़ा होगा तो वो एंगल बी ए से भी बड़ा होगा, एंगल बी सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ए और दोनों एंगल ए और सी दे विल बी एक्यूट एंगल इन द ट्रायंगल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 था।